भाईजान डर्बी ETX ओसाका की सुपर 10 9 एम्पियर बैटरी हमने इंस्टॉल कर ली है। चुप है कि जेबी ग्रुप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। डर्बी और वीगो वगैरह जितने भाइयों के पास बाइक्स हैं, नॉर्मली डर्बी में तो युवासा की 9 एम्पियर की बैटरी आती है और ये उसका साइज़ होता है। काफ़ी अच्छी बैटरी है मेरी तकरीबन। साइड वाइज ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट मैच है युवासा के साथ। सो डर्बी वीगो वगैरह रॉबिनसन जितने भी हमारे दोस्तों करें उन्होंने भी शायद तकरीबन सेम ही कंपार्टमेंट होता है, तो ये बैटरी यूज़ हो सकती है। 1700 की है, 9 एम्पियर 12 वोल्ट्स, बिल्कुल सेम साइज़ है इसका। डिफरेंस ये है कि पॉइंट्स उसके बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, और इस बैटरी में पॉइंट्स अंदर की तरफ आते हैं, तो वो थोड़ा सा इसको ज़रा स्क्रू करना ज़रा पहली मरतबा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है, बड़ा कोई मसला नहीं होता। का जो ड्रेन पाइप है उस साइड पे आता है, तो वो ज़रा इस साइड पे आता है, उसको ज़रा मैनेज करना पड़ता है। ये बैटरी इंस्टॉल होने के बाद इसका जो रबर स्ट्रिप वो लग गया, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी होता है, अगर इनकेस फ्यूज़ मेरे से एक फ्यूज़ उड़ गया था बैटरी चेंज करते हुए, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूज़ रखा होता है, वो लाजमी आपने अगर फ्यूज़ हो जाए तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ आपने इसके अंदर यहाँ पर लग गया होना इस साइड पर चाहिए उसूलन, और बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूज़ लाजमी रखने हैं। वापस ट्रैक्टर इसके अंदर चलेंगे, थोड़ा सा ये कि इसकी फिलिंग ज़रा आसान है, पॉइंट्स बाहर साइड पर टैपेट को खोल लें और इंजेक्शन के साथ आप इसमें ये काम कर सकते हैं। तो ये ओसाका सुपर 10 9 एम्पियर की बैटरी 12 वोल्ट ETX 150, ये हमारा हो चुका है। एक दफ़ा इसको ज़रा स्टार्ट करके ज़रा चेक कर लेते हैं। ये जनाब यारी 20,000 चल चुकी है 2 ईयर्स। सो रबी ETX वेरी गुड। सो ये अच्छी रिप्लेसमेंट है, जो युवासा की इसकी ओरिजिनल बैटरी है उसकी जगह पे आप ओसाका की ये वाली बैटरी लगा सकते हैं। लोकली ओसाका की बैटरी सुपर 10 9 एम्पियर इस मोटरसाइकिल के लिए अच्छी रिप्लेसमेंट है। 150 सीसी से लेके 200 सीसी तक सारे बाइक के काम आ सकती है, बजाय ऐसे कि आप युवासा की ओरिजिनल बैटरी जो कि काफ़ी महंगी है और आजकल आपको पता है इंपोर्ट वगैरह का भी इशू है, तो इंपोर्ट बाइक्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सो हमारी डर्बी ETX का बैटरी हमारी रिप्लेस हो चुकी है, पुरानी बैटरी 4-5 महीने चूँकि बंद थी और उसका एसिड वगैरह भी ड्राई हो गया था, तो उसका एक दो सेल शॉर्ट हो गए थे, तो वो वाली बैटरी फारिग हो गई है और हमारे विंटर ट्रिप्स के लिए इंशाल्लाह बैटरी नहीं हो चुकी है, सो अब कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस, युवासा की बैटरी डर्बी ETX 150 एडवेंचर बाइक का JP ग्रुप, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और ज़रूर देखिएगा हमारे एडवेंचर वीडियोज़, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सोफॉल ट्रिप मीरनजानी ट्रिप है, हमारा मालम जब्बा का ट्रिप है, कालाम का है, ये सारे एरियाज हम कवर करेंगे। सवात के कुछ हिल्स हैं, लड़म हिल है एक, लड़म नाम है उसका स्पाइडर हिल, उसका हम इंशाल्लाह करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।